नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। वसई पश्चिम की नीलम बंजार होटल में आज शाम को आगजनी की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार आज शाम के समय वसई पश्चिम की जो मशहूर होटल है नीलम पंजाब, उसमें आगजनी हुई। आगजनी पहले नीलम पंजाब होटल के किचन में हुई, शॉर्ट सर्किट को आगजनी का कारण बताया जा रहा है। उसके बाद आग की लपटें काफी ऊंची हवा में उड़ने लगी। आप वीडियो में तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से बड़ी बड़ी लपटें आग की निकल रही है। हालांकि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की, जान की, किसी के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन माल का काफी नुकसान हुआ। आपको बता दें कि यह क्षेत्र जो है वो बस्ती क्षेत्र है, जहां आसपास कई रहवासी सोसाइटियां हैं, और अगर आग फैलती तो काफी नुकसान होने की संभावना हो सकती थी। आगजनी की थोड़ी ही देर में आसपास के लोगों ने अग्निशमन दल को इत्तला की और अग्निशमन दल ने पहुंचकर कुछ ही घंटों में आग पर काबू पाया और कहीं न कहीं एक बड़े अनहोनी को घटना से बचा लिया। तो ये घटना है आज शाम की, जहां वसई पश्चिम की नीलम पंजाब होटल में आगजनी हुई। वीडियो में आगे देखिए इस आगजनी की कुछ फुटेज। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सर, ये जो आग लगी है किस कारण से लगा? किस कारण से आग लगा है ये कुछ पता नहीं चला अभी तक। तो कुछ तो कारण होगा आग लगने का? नहीं, हम लोग को कुछ मालूम नहीं। हम लोग जब आए, हम लोग को 6:30 बजे कुछ कॉल आया। अच्छा। हम लोग इधर पहुंचे तो देखा तो आग चालू था। हम लोग ने कूलिंग का मतलब कूलिंग चालू किया तो अंदर एक जिंदा सिलेंडर मिला हम लोग। ओके। तो वो सिलेंडर हम लोग ने निकाल के सिलेंडर वाले जो आए थे उनके उनके हैंडल कर दिए सिलेंडर। बाकी दूसरा कुछ नहीं? बाकी कुछ नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? किसी को कुछ चलेगा? भाई लाइट काट दिया उनका? उनका नहीं, इनका, ये बिल्डिंग का तो काटे, फट रहा है अंदर कुछ। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।